एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो वक्त तय किया गया था, जो समय तय किया गया था, उसी तय समय पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होंगी। 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू की जाएगी और आपको बता दें कि इंटर के बाद मैट्रिक की परीक्षा होगी। इसके साथ ही जो शिक्षकों के काउंसलिंग का शेड्यूल तय किया गया था वो भी तय समय पर ही होगा। कोरोना की स्थिति है, अभी तक जो कोरोना संक्रमण के हालात हैं, इस स्थिति तक भी हम लोग इस राय के हैं या ये सरकार की मंशा है, चाहती है सरकार कि परीक्षाएं या नियोजन समय से हों, इसलिए अभी तक तो इनको रोकने का या स्थगित करने का कोई विचार नहीं है। जोखिम भी उठाकर कोरोना काल में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो नियोजन प्राधिकार है उनकी तरफ से या फिर कोरोना की स्थिति अनियंत्रित हो गई तो उन परिस्थितियों के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे इरादा हर हाल में समय पर नियुक्तियां कर लेने का, तो तय समय पर नियुक्ति होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो कोरोना की रफ्तार है, कोरोना की तीसरी लहर है, उसके बावजूद थोड़ी बहुत जोखिम उठाते हुए तमाम चीजें जो तय की जा चुकी हैं वो समय पर होंगी। हमारे शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो या फिर शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया हो, जो समय तय है उसी समय पर ही तमाम चीजें होंगी।